आज का वीडियो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होने वाली है क्योंकि बिहार के डूबते हुए भविष्य भला कलर में कैसे हो सकती है, जहां के नेता को एक मामूली सी अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, वो भी अगले सीएम पद के दावेदार है। जब से हमने होश संवारा है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री देखा है, अभी पूरे 18 साल के करियर में उनकी कोई ऐसी डिसीजन, उनकी कोई ऐसी बयानबाजी हमने नहीं सुनी जो बिहार को एक बीमारू राज से ऊपर उठा करके लेकर के जाए। और आज यही सब नेता का जब भविष्य खतरे में है तो आकर के अलूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? परवाह पड़ जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो ताने देना पड़ता है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता। भगवान राम तो मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे हर जगह। इस बयानबाजी से तो ये बात क्लियर हो गई है कि अगले 5 सालों तक बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की समझ अगर हमारे नेताओं में नहीं होगी तो फिर बिहार कैसे डेवलप करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी स्टेट या किसी भी देश के लिए अगर अर्थव्यवस्था ग्रो करना है तो उनके यहाँ ये 4 चीजें करना ज्यादा अनिवार्य होता है। पहला कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, दूसरे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए, और तीसरा कि आपको टूरिज्म का बढ़ावा देना चाहिए, और चौथी धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और मजे की बात यह है कि हमारे नेताओं को इन चारों चीज पर फोकस करने के बजाय वो किसी और स्टेट में क्या हो रहा है उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर बिहार में इन चारों में से सिर्फ 2 पर फोकस कर दिया जाए तो बिहार की GDP और बिहार की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। वो 2 चीज है, पहला टूरिज्म और दूसरा है धार्मिक टूरिज्म। टूरिज्म के लिहाजा से बिहार के कुछ 2-3 ऐसे स्थान है जिसको डेवलप कर दिया जाए तो लोग काफी ज्यादा विजिट करेंगे। पहला राजगीर, दूसरा है आपका गया, और तीसरा आपका सासाराम। ये 3 ऐसे जगह है जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, इसको डेवलप कर दिया जाए तो बिहार में काफी ज्यादा सुधार हो सकता है। दूसरी चीज है धार्मिक टूरिज्म। धार्मिक टूरिज्म में 2 ऐसे भगवान हुए हैं जिनका जन्म यहां पर हुआ है, पहले हैं हमारे गौतम बुद्ध और दूसरे हैं गुरु गोविंद सिंह। इन दोनों के फॉलोअर काफी ज्यादा है पूरा विश्व में। अगर उनके जन्म स्थान को एक टूरिज्म हब बना दिया जाए तो काफी ज्यादा लोग वर्ल्ड से विजिट करने आएंगे, और विजिट करेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, और अगर वो यहां पर आते हैं तो और भी बिहार के स्थान को विजिट करेंगे जिससे लाखों रोजगार पैदा हो सकते। अगर बिहार को भी अपनी अर्थव्यवस्था ग्रो करनी है तो उसे यूपी के रास्ते चलना पड़ेगा। यूपी का सीएम जिस तरीके से कड़क डिसीजन लेकर के यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देकर के यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही है, ठीक उसी प्रकार बिहार को भी करना होगा। लेकिन अगर हमारे नेता इस तरीके के तुच्छ बयानबाजी करने से रोके तो फिलहाल आपको बिहार की अर्थव्यवस्था पर अपनी राय पेश कर सकते हैं, और इस वीडियो में आपके भी कोई विचार है प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके के बिजनेस टिप्स केस स्टडी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।